यहां पर मैं सबसे पहले एक बेसिक आइडिया तो आपको दे देता हूं बिकॉज आप बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स अलग अलग भिन्न भिन्न जगह पर आते हैं कि इन सब्जेक्ट के सर अमेंडमेंट लेक्चर कब आने वाले हैं वगैरह वगैरह तो सबसे पहली चीज ये पांच जो सब्जेक्ट्स हैं कंपनी लॉ सिक्योरिटीज लॉ एट सी एस एग्जीक्यूटिव लेवल फंडिंग एम सी एस एंड आई बी सी मतलब दिस इज प्रैक्टिकली मॉड्यूल थ्री प्रोफेशनल में तीन मॉड्यूल में से मॉड्यूल थ्री है, है ठीक है ये पांच सब्जेक्ट्स के आपके लिए मैं मेरी तरफ से 110 परसेंट एश्योर करता हूं कि आपको सारे अमेंडमेंट्स मेरी तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे फॉर यू आर माई स्टूडेंट यू आर नॉट माई स्टूडेंट इन सारे अमेंडमेंट प्रोवाइड किए जाएंगे वन एंड मेरी तरफ से हर समय प्रयास रहेगा कि जो बेस्ट पॉसिबल रिविजन मैराथन होगा वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा तो सबसे पहले आप ये चिंतित होना छोड़ दीजिए इज दैट यू कमेंट दैट सर इसका ही मैराथन कब कब आएगा आएगा इसका हमारी तरफ से हंड्रेड आने वाला है एंड मैं टाइम टू टाइम उसको लेकर अनाउंसमेंट लाता रहूंगा ठीक है आज जो मैं खास अनाउंसमेंट्स आपके लेकर रहा हूं बहुत सारी चीजें आपसे बात करनी है तो पूरा पेज भरा हुआ है सारी चीज आपको बतानी यू नॉट एबल टू रीड इट राइट बानी है तो इसलिए हां हल्का सा साइड बहुत सारे अनाउंसमेंट्स जो आपके साथ करने हैं मेजर जो चार अनाउंसमेंट करने हैं वो ये हैं

उसके बाद सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ अनाउंसमेंट सीएस एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा सबसे सी एस प्रोफेशनल के स्टूडेंट्स के लिए सो फॉर सी एस प्रोफेशनल स्टूडेंट दब्जेक्ट ऑफ एम सी एस मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज के सब्जेक्ट के लिए तो आप बच्चे चिंतित हो रहे थे कि सर इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली इसके अंदर कुछ और केस केसलाइड कर दिए दिया एमसीज अब्जेक्ट एट प्रोफेशनल लेवल विच इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू अमेंडमेंट्स Amendments मतलब यहाँ पे क्या क्या हम amendments कहते हैं 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 आते क्या है, additional case laws आ जाते हैं और कुछ कट कर देते हैं। तो के के लिए ने June attempt के लिए कुछ 13 case laws और कुछ और कर दी आपके syllabus में तो आप में से कुछ बच्चों ने सप्लीमेंट देखा होगा कुछ ने देखा ही नहीं होगा सो so, सबसे पहली चीज तो आपके लिए एमसीएस का ऑन सेवेंथ अप्रैल 9 पी सेवेंथ नाइन पीएम पे आपके लिए आ रहा है एमसीएस का अमेंडमेंट लेक्चर अमेंडमेंट लेक्चर फॉर जून 2021 के भाई साहब जो भी एडिशनल केस लॉस है ना सारे के सारे उस दिन हम अप कर लेंगे सेवेंथ अप्रैल पी एम अमेंडमेंट लेक्चर क्लियर है ये सारी चीजें जो मैं आपको बताऊंगा ये सब आएगी ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ इंस्पायर अकेडमी दो YouTube चैनल से जो आपको सब्सक्राइब करके रखने है, one is Inspire Academy के, के चैनल से आता हूं और जो भी रिविजन जो भी आ, आप समझिए अमेंडमेंट लेक्चर के चैनल पर अपलोड करू ताकि आपको एक ही जगह पे सारे सब्जेक्ट्स के बेस्ट पॉसिबल तरीके से मिल जाए तो अमेंडमेंट लेक्चर है एंड नई 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 खास बात तो यहां पर एट अप्रिल अगेन वी विल स्टार्ट एट नाइन पी एम सर ये क्या है नाइन एम नहीं नाइन पी एम ये क्या है यारों आपको दीवाना करने के लिए एट अप्रैल नाइन पी एम वी एन टू डू अल नाइट रिवेशन क्या होने वाला है एट अप्रैल नाइन पी एम एट अप्रैल नाइन पीएम हम शुरू करेंगे हमारे एमसीएस में जितने केस लॉस हैं हमारे एमसीएस में जितने केस लॉस हैं सारे के सारे केस लॉज जो हैं वो सब हम रिवाइज करेंगे इसका पूरा एक प्लान बनाऊंगा स्टार्ट करेंगे 9 9 30, 1 करा दूंगा, फिर मैं आपको हाफ आवर का गैप दूंगा अब आप नेक्स्ट चैप्टर कर रहा हूं आप सिक्योरिटी फिर हम लोग वापस 10 10 करेंगे मैं आपको क्या करता हूं, उस एक रात में, के आपके जितने भी केस लॉज हैं हम एंड टू एंड कर देंगे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन क्यों होता है एमसीएस में बिकॉज पहले से बहुत सारे केस लॉस थे फिर कट हो गए कौन से हैं कौन से नहीं है हर एक चीज उसमें कवर होगी मतलब मैं आपको कमती लिस्ट दूंगा कि जून अटेंट में लॉ थर्टी थ्री केसेज एप्लीकेबल है इनको रिवाइज करो फिर आप रिवाइज करके आएंगे मैं करा दूंगा सिक्योरिटी लॉ के ये एप्लीकेबल है इसमें जो केसेस है वो भी रिवाइज करवा दूंगा मैं आपको जो रिसेंटली एड अमेंडमेंट लेक्चर करेंगे उनका भी रिवीजन हो जाएगा जो केसेस कट हो गए वो भी क्लियरली आपको पता चल जाएंगे जून अटेम्प्ट के लिए कोई नए केसेस कट नहीं हुए

तो एंड में मुझे कुछ वीडियोस आपको सजेस्ट करने कि आपने देखना चाहिए तो रुक जाओ ठीक है सीएस एग्जीक्यूटिव सीएस एक्जीक्यूटिव के लिए जो सबसे पहला अनाउंसमेंट है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू अमेंडमेंट लेक्चर फॉर कंपनी लॉ ऑफकोर्स फॉर जून ट्वेंटी ट्वेंटी वन जून 2021 के लिए कंपनी लॉ में जो अमेंडमेंट है उसका अमेंडमेंट लेक्चर लेने वाले हम लोग कब लेने वाले हैं ये हम लेने वाले हैं फ्राइडे सेकेंड अप्रैल नाइन पीएम तो बस ये फ्राइडे ये <laughs> ये तो फ्राइडे आ रहा है टुडेज टुडे इज वेन्सडे फ्राइडे रात को नौ बजे फ्राइडे

इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अंदर एक टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा उसको ज्वाइन कर लो तो सारी इन्फॉर्मेशन फर्दर सारे लिंक्स जो यूट्यूब लेक्चर के होंगे एक दिन पहले नोट्स आपको देने सारी चीजें उस टेलीग्राम चैनल पर आ जाएगी आप बच्चे ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में एड होंगे और कुछ व्हाट्सएप ग्रुप की जगह टेलीग्राम इसलिए किया यार बिकॉ क्या होता है इतना ज्यादा है ना कि बार बार वो ग्रुप्स क्रिएट करने पड़ते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल के अंदर आपने एड जाना है बहुत सारी चीजें इसी के अंदर होने वाली ओके में हैं फॉर जून फ्राइडे नाइन पी एम

कुछ अलग किस प्रकार से कर सकते हैं किस प्रकार से हम सब्जेक्ट पे और अच्छी कमांड और अच्छा ग्रिप ले सकते हैं प्लान so, कि मैं आपका एक अलग तरीके से रिविजन करवाने वाला हूं फोकस करना दिस इज गोइंग टू बी अ सेक्शन सीरीज रिविजन अरे भाई साहब वन ऑफ अ टाइप वन ऑफ अ टाइप दीवाने हो जाओगे सेक्शन सीरीज रिविजन सेक्शन सीरीज रिविजन के अंदर क्या होंगे ये चलेगा फ्रॉम एक दिन का नहीं होगा ये इलेवेंथ अप्रिल टू ट्वेंटी एथ एप्रैल इलेवेंथ अप्रैल टू ट्वेंटी अप्रैल दस दिन तक आपका चलेगा सेक्शन सीरीज रिविजन यह डेली नाइन पीएम यह डेली नाइन पीएम पर मैं आपसे मिलूंगा यहां पर क्या होगा मैं आपसे डेली बेसिस पे दस दिन तक इंपॉर्टेंट सेक्शन सीरीज के सीरीज लेकर आऊंगा पूरी की पूरी सीरीज रिवाइज करवाऊंगा

राइट right? तो ये एक सेक्शन सीरीज का रिविजन आने वाला है इलेवन से ट्वेंटी सर ठीक है सर अमेंडमेंट लेक्शन भी जाएगा सेक्शन सीरीज़ से अलग प्रकार से रिविजन भी करेंगे बड़ा मजा आएगा और क्या कर सकते हैं और कोई चीज की जरूरत है क्या बिल्कुल एक और चीज की जरूरत है आपको आपके लिए स्टार्ट हो रहा है राइटिंग प्रैक्टिस मंथ आपने आई नो के डेली जब बैच चल रहा था तब भी साथ में क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं उसके बाद में अपने इंस्पायर आप बच्चों के लिए एक इस राइटिंग प्रैक्टिस मंथ में क्या होगा दिस विल स्टार्ट फ्रॉम दिस इज नोट स्टार्ट फ्रॉम फिफ्थ ऑफ अप्रैल फिफ्थ अप्रैल से स्टार्ट होगा और ये चलेगा फॉर थर्टी डेज फकोर्स राइटिंग प्रैक्टिस मंथ बोलो थर्टी डेज होगा इसके अंदर क्या होगा आपके टेलीग्राम ग्रुप में ही, आप टेलीग्राम ग्रुप के अंदर एड हो जाएंगे उस टेलीग्राम ग्रुप में ही डेली आपको एक क्वेश्चन आएगा कंपनी लॉ का और डेली एक क्वेश्चन आएगा सिक्योरिटीज लॉ का मियरली वन क्वेश्चन मियरली वन क्वेश्चन एक क्वेश्चन कंपनी लॉ का एक क्वेश्चन सिक्योरिटीज लॉ का समझना ऑब्जेक्टिव क्या है इसका तीस दिन तक डेली एक क्वेश्चन कंपनी लॉ का एक क्वेश्चन सिक्योरिटीज लॉ का आप बच्चों ने क्या करना है आप बच्चों ने इसका आंसर लिखना है वो जो टेलीग्राम का ग्रुप है वो ओपन होगा डेली 7 पीएम टू 8 पीएम के लिए 7 पीएम टू 8 पीएम तक ओपन हो जाएगा आपने यहां पे उन क्वेश्चंस का आंसर लिख के सेंड कर देना यू टू सेंड द आंसर अब वापस एक चीज रिपीट कर रहा हूं

सेवन टू एट के बीच में ग्रुप ओपन होगा तब आपने अपना आंसर वहां पर भेज देना ना वट गोइंग टू वर्क उन सब आंसर में से जो सबसे सही आंसर जो परफेक्ट आंसर जो मॉडल आंसर होगा उसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे परफेक्ट आंसर विल बी पोस्टेड नेक्स्ट डे परफेक्ट आंसर विल बी पोस्टेड मतलब आप मान लीजिए मान लीजिए हंड्रेड आंसर्स आ गए उन हंड्रेड में से परफेक्ट आंसर होगा परफेक्ट आंसर है वो अगले दिन आपके ग्रुप किया जाएगा कि क्वेश्चन का ये परफेक्ट आंसर यस्टरडे के क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है सो दैट यू पीपल यार हम जो आंसर लिखते हैं उसमें क्या कमी रह जाती है और कैसे उस आंसर को सुंदर किया जा सकता है बट डेली लिख के जरूर भेजना ये नहीं कि डेली बैठे और सिर्फ मॉडल आंसर देखें वो ओके okay, मेरा आंसर कहां कम रह गया। मेरा आंसर की मॉडल आंसर है मेरा आंसर की मॉडल आंसर नहीं इससे होगा ये दिस इज लास्ट टाइम लास्ट मोमेंट एग्जाम के पहले तो आपका पूरा फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए लेकिन एक एक आंसर से हाँ आंसर कैसे बेटर इज गोइंग टू मेक लॉट ऑफ द एग्जामिनेशन में ये इतना डिफरेंस क्रिएट कर देगा कि आप दीवाने हो जाओगे

कर देता हूं बच्चों के लिए कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे सेवेंथ और अप्रैल को है नाइटर रिविजन रिविजन सेकेंड अप्रिल को सब कुछ नौ बजे को हमारा अमेंडमेंट लेक्चर है, है और जो हमारा सेक्शन वाइज रिविजन स्टार्ट हो जाएगा ना, वो हो जाएगा इलेवंथ अप्रैल टू ट्वेंटी अप्रैल तक और जो राइटिंग प्रैक्टिस मंथ है अप्रैल से आपका राइटिंग प्रैक्टिस मतलब एक महीने तक चलेगा और आपको यह समझना है कि इसमें आप कितना सीख रहे हैं कितना आगे बढ़ रहे हैं शेड्यूल okay? so, right से, है. a, आपको रहा से कि मैं जहां जहां समय परमिट करा वहां पे आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आऊंगा हंड्रेड कुछ ना कुछ लेकर आऊंगा जस्ट चिल एंड जस्ट वेट फॉर फर्दर अनाउंसमेंट जैसी ये चीजें होती है मैं कुछ और बेहतरीन आपके लिए आऊंगा कुछ और बेहतरीन आपके लिए करूंगा

जिसका पार्ट ए भी है जिसका पार्ट बी भी है दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये परसेंट देखो ये देखने के में मिल रहा है। उसके बाद में, के बच्चों के लिए एलओडीआर का भी रिविजन वो एलओडीआर का रिविजन भी आपने देखना है। सर, के बच्चे भी एलओडीआर का रिविजन देख सकते हैं क्या? आप चाहो तो देखो बट इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो के सिलेबस में नहीं होती तो अगर आपके अदरवाइज मत देखिए इसके अलावा प्रोफेशनल के बच्चों के लिए आई जस्ट से इट हरी चीजों को लिखता नहीं हूं मैं प्रोफेशनल के बच्चों के लिए रीट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का रिवेशन है वो भी आपने देखना उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन सारे जो मैं बोल रहा हूं सबके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं ये अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो हंड्रेड परसेंट देखो इससे आपका जो ग्रपे सब्जेक्ट है पे वो बहुत बेहतरीन हो जाएगा देर आफ्टर फंडिंग के लिए एक और चीज फंडिंग के न्यूमेरिकल्स का मैंने एक लेक्चर डाल रखा है यूट्यूब पर तो न्यूमेरिकल्स का लेक्चर भी आपने देखना है

आ, अगर आपने ऑलरेडी देखा है तो बहुत अच्छी बात है कंपनी लोग पार्ट ए का पूरा एक महाविजन कर पार्ट बी का है सी एस एक्ट का है सेक्शन टू थर्टी टू फोर्टी जनरली आप इग्नोर कर देते हैं ये कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के सेक्शन से आप जनरली इग्नोर कर देते हैं उसका मैंने एक बहुत ही क्रिस्प सा वीडियो बना रखा है उसमें सारे सेक्शन कवर किए वो भी देखिए देर आफ्टर कंपनी में एक वीडियो है हाउ टू राइट दी आंसर बिल्कुल देखिए जिन बच्चों ने देखा हुआ है जो लोग ऑलरेडी कंफर्टेबल दो स्टूडेंट्स नॉट कंफर्टेबल इन राइटिंग समझ नहीं आंसर्स कैसे वीडियो भी देखो देखा है तो एंड एक वीडियो है एक लिंक है जो मैं इसके अंदर नीचे पोस्ट करूंगा फॉर एडवांस की स्टडीज वो किसके लिए समझना उसके अंदर आपको नोट्स मिलेंगे बुक मिलेगी एडवांस की स्टडीज की कंपनी लॉके वो किन बच्चों के लिए जिन बच्चों को लगता है कि सर हमारा पूरा सिलेबस हो चुका है हमने सारे स्कैनर पार्सिल क्वेश्चन सब देख लिए हैं और समय है बताओ कंपनियों में क्या करें तो कंपनियों की मेरी एक बुक है एडवांस की सीरीज की दिस इज नॉट फॉर एवरी जिस बच्चे को लग रहा है सर मेरा तो अभी तक रिविजन और ये सब चल रहा है उसको देखने की जरूरत नहीं है इससे एग्जाम में कुछ आने की संभावनाएं भी बहुत कम है संभावनाएं भी बहुत कम है लेकिन अगर किसी बच्चे को लगता है अब और क्या करें बता दो तो एक की है, lucky, आप उसके भी को कर सकते हैं उसमें बहुत सारे है और सारे वाले है। मतलब जनरली समझिए सीएस एग्जीक्यूटिव से हायर लेवल की उसमें सीएस प्रोफेशनल के क्वेश्चन है सीए फाइनल के क्वेश्चन है और वो सारे क्वेश्चन है ठीक है तो वो सबके लिए नहीं है रिपीट जिस बच्चे को लगता है पास एक्स्ट्रा टाइम है और मैं बहुत कुछ कर चुका हूं यार मैं और क्या करूं

बंबारडिंग के सर ये कबारा ये चीजें ये चीजें आई विल मेक द अनाउंसमेंट फ्रीचे बेथिंग मैंने खुद ने अनाउंसमेंट बनाया ना आप बच्चों ने थोड़ी कहा था कि ऑनलाइन रिविशन लो हमारा नहीं बोला था मैं ले रहा हूं मेरी तरफ से आपने तो नहीं बोला था सेक्शन वाइज सीरीज लो ट्रस्ट मी मेरे एंड पे आईम ट्राइ माई लेवल बेस्ट के आप बच्चों को और क्या मैं बेहतर चीजें दे सकता हूं तो और बेहतर चीजें आपके लिए मैं लाता रहूंगा सो जस्ट बेशेंट एंड एंजॉय दीज थिंग्स वट एव यू गॉड इंजॉयॉय दीज थिंग्स ओके सो दैट विल फ्रॉम माई एंड थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस नाइस पेशेंस एंड आई वोड सिंसियरली रिक्वेस्ट यू वन थिंग